हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? इधर आओ। कैसे हो अभी आप लोग बताते हैं, पूछते हैं। कैसे हो आप लोग? न्यू ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम भी भैया अच्छे ही हैं और आ गए हम एक और नए ब्लॉग के साथ। और बताइए आप लोग, गर्मियों में इस टाइम मेरा ब्लॉग देखते देखते क्या कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब वाली कनपुरिया भाई जी भाभी जी का ब्लॉग, भाई जी का कनपुरिया भाई जी भाभी जी का ब्लॉग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है और देखिए भाभी जी ने गर्मी में भी आपके लिए तैयार होकर के आई हैं, साड़ी आड़ी बांध करके। इन्होंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं डांस वांस करके, तो आप लोग थोड़ा देख लेना जाके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और देर ना करते हुए एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों के बैठना नहीं बनो फ्रेंड, गर्मी बहुत। तो देर ना करते हुए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स। तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? बस वही कहना चाहते हैं कि भाभी जी आज स्वीट स्वीट लग रही हैं, महक रही हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। आप लोगों को थोड़ी ना खुशबू मिल रही है जो कहते हैं। आप लोगों को क्या खुशबू मिल रही है? तो फ्रेंड्स, लोग खुशबू महसूस कर लेंगे। क्यों फ्रेंड्स? कहाँ जा रहे हो? तो हस्बैंड जी चले गए हैं, मुलाई चली गई है, तो टीवी चल रही थी तो उसी को देखने गए हैं। मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा हो कुछ हो गया है, देखने गए। तो तुम्हें देखने को तरसती है आँखें। तो भैया, एक तरफ से हम लोग खुश भी हैं कि आप लोगों ने हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए आपने अपने यूट्यूब वाली भाभी के चैनल पर। और एक तरफ से थोड़ा दिक्कत ये आ गई है कि हमारे पास फ़ोन पे जीमेल आया था, तो उस जीमेल में मैंने हमारे प्ले बटन का जो है भरने के लिए KYC आया था उसको भर दिया था हमारे बच्चे ने, लेकिन वो किसी कारण से कैंसिल हो गया है तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन तो अब आप लोगों के लिए हम ब्लॉग डालते रहेंगे। अगर किस्मत में होगा प्ले बटन तो मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं तो सिल्वर प्ले बटन मिल जाता तो आप लोगों को हम दिखाते और ब्लॉग भी डालते आप लोगों के लिए बना करके कि ये देखिए हमको मिला है। तो हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अभी कोशिश में लगे रहेंगे। हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बाकी आप लोगों से भी है कि इतने दिन से हम वीडियो बना रहे हैं और मेरे पास वो एक सम्मान की बात होती है। अगर मिल जाता तो ज़्यादा खुशी महसूस होती, हमको भी महसूस होती और आप लोग भी देखते कि हाँ आपकी भाभी जी कब जो है सिल्वर बटन आया है, तो वो खुशी अलग ही होती। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या था कि फ्रेंड, हम जब वहाँ से मतलब वो आया था, हम घर पर नहीं थे, हम थे एक जगह गए थे, तो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा थी तो हम लोगों ने वहाँ कुछ कर नहीं पाया। उसका टाइम दिया गया था तो जो चीज़ मांगी गई थी कागज, तो मैं वहाँ ले नहीं, हर चीज़ तो वहाँ ले नहीं जा सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे, वो तुरंत भरना था, उस टाइम हो नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया था तो कर दिया। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ऐसा तो कुछ हुआ, अगर ठीक हो गया तो मैं आप लोगों को, अगर मिलेगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नहीं, अगर वो अप्लाई वो हो गया होगा तो अगर मैसेज देखेंगे अगर तो भी तो हम सबमिट हो गया, सबमिट कर दिया था, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे अगर KYC तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हाथ में ना आ पाए, ये भी चीज है। तो थोड़ा दुख लगता है कि इतने दिनों से मेहनत तो कर रहे हैं, अगर मिल जाता तो ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन देखते हैं। तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग डालते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिए अपनी भाभी जी का और हमारा भी, RS ब्लॉग का, पूरे चैनल का। जुड़े रहिए इसी तरीके से और इसी तरीके से ब्लॉग देखते रहिए। आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि मैं किसी चीज़ से हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। बहुत मैं वो देखा है दिन कि हम बता नहीं सकते, हिम्मत हारने वाला दिन देखे हैं कि लगता है बिल्कुल अब हार ही जाएं, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। शुरू में जब चैनल खड़ा किया था, बनाया था, तो चैनल खड़ा नहीं हो पा रहा था, 2-4 व्यूज आते थे, सब्सक्राइबर नहीं आते थे। तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं, हिम्मत मत हारिए, अपना संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। वो तो एक अलग की बात है, लेकिन कुछ लोगों के बोल चाल और मतलब कुछ लोगों को तो जाहिर सी बात है, अब संसार में हर इंसान दुखी है, किसी न किसी को किसी प्रकार से
परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो यही जिंदगी है और सामना करना भी चाहिए। संघर्ष सबके सामने आते हैं और संघर्ष से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, हमेशा उसका मुकाबला करते रहना चाहिए। हाँ तो ये बात, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपकी यूट्यूब वाली कनपुरिया भाभी जी का साथ अगर है और हमारे हाथ में इनका हाथ है तो कहने की क्या बात है, समझ गए भैया, फिर कहने की क्या मेरे बात है? हाथ में इनका हाथ है और तू मेरे दिल अगर कुछ बात कह दे तो ये पहले मुंह सूख जाता, हमने सोचा था अरे जा अब दोबारा चट्टो चपट्टो कर लेते, इनने करने नहीं दिया इन्होंने, मुंह मीठा कर लेते। मतलब ये हमेशा बस यही फालतू बात करते रहते हैं, उनके छोड़ो हमारी बात सुनो। तो भैया बहुत संघर्ष झेले हमने, अभी भी झेल रहे हैं, कुछ लोगों की बातें सुनी, ऊपर उठाओ भाभी जी थोड़ा, कुछ बहुत कुछ सुना है इस वीडियो के पीछे, मैंने बहुत लोगों से सुना है, क्या कहें, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहते हैं, सब ठीक है। तो जिंदगी का नाम दूसरा संघर्ष है, वो संघर्ष तो आएगा ही, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और जिंदगी जियो भैया। तो हमारे हिसाब से हम तो ऐसे जिंदगी जीते हैं, हर सुबह एक नई उमंग के साथ शुरुआत करते हैं और हर शाम सोचते हैं कि शायद। और हम लोग पता है हमेशा खुशी से ऐसे ही रहते हैं, झगड़ा थोड़ा बहुत होता रहता है लेकिन अब जो बर्तन है खटर पटर होते रहते हैं, कभी प्यार एक दूसरे से कम नहीं करना चाहिए, जमकर प्यार करना चाहिए। और लोग कहते होंगे कि नहीं कैमरा में ऐसी करती हूँ, लेकिन नहीं, हम कैमरा भी ऐसे ही रहते हैं हमेशा, इससे ज्यादा ऑफ कैमरा रहते हैं, लेकिन कैमरा में तो इतना नहीं दिखाते। अभी भी हमारी सुबह सुबह बुखार आ गया था, दवा वा खा के थोड़ा दिमाग अब सही हुआ है, बुखार भैया आ गया, मौसम बदल रहा है, हमारे बच्चे को भी बुखार आया है, उसको भी दवा दिलवा रहे हैं 2-3 दिन से, और मैंने भी दवा वा खा रखी है। फ्रेंड आप लोगों को क्या बताएं, हम तो मैं हसबैंड जी अब तुम कैमरा संभालो तो हम फ्रेंड लोगों को कुछ बताएं। मैंने ये साड़ी फ्रेंड धुलकर डाल रही थी छत पर और उसको बंदा साड़ी फाड़ गया, आप लोगों को दिखा पकड़ो, देखो जा हिंद लाइके इतनी फ्रेंड ये साड़ी, देखो अब हम सिल के पहन के आए क्योंकि इसको हमने ज़्यादा पहना नहीं था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बंदर साड़ी फाड़ गया, तो हमने सोचा अभी हम तो भैया भाभी जी को बंदर को भाभी जी की साड़ी पसंद आ गई तो उसने इनकी साड़ी फाड़ दी है। तो हमने भैया कई ब्लॉगों ने इसमें बनाना शॉर्ट वीडियो बने हैं, तो हमने थोड़ी सिल लेते हैं, एक बार मेरा वीडियो बन जाएगा, मेरे पैसे हो जाएंगे वसूल, उसके बाद ठीक है जैसा भी है। और हम आप लोगों के पास बताएं, इधर आओ इधर आओ, हस्बैंड जी के कभी कितना चड्डी न बनियानी का ऊन है उठा के ले लिया, इनके कपड़ा उठा लेंगे, बहुत मजा आ रहा है। तुम जाते हो हमारी चड्डी उठा ले जाए और का तुम्हारी ले जाएंगे, तुम्हारी ज्यादा पसंद आती है, क्या करे साड़ी है भैया फाड़ दी है तो ले जाएंगे। और बताओ हस्बैंड जी हम क्या बताए, जो तुम बताओ वही हम बताने लगेंगे। खीरा ऐसे ला भैया तो कड़वे धर एकदम, चलो दूसरे ले आएंगे तुम्हारे लिए। अब हटाओ तुम ज्यादा, अब कहाँ जा रही हो, मैं हटो देखो भाई बहुत जल्दी भाग लेती हो तुम, ऐसे ठहरे रहो, बाय बाय जा जा रही हो भैया, बाय बाय नहीं बोलोगे क्यों? तो फ्रेंड अब बोलते हैं आप लोगों से बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना जरूर, और हम लोगों को थोड़ा हिम्मत हौसला बना के रखना, ठीक है? ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक तो है, तो खराब को हम कह रहे हैं, तो ये ज्यादातर बता फ्रेंड ऐसे सेल्फी, आप गले मिल लो भाभी जी, जाओ टॉप आप ना, हमें नहीं मिलना है, फालतू वीडियो खराब करके रख दिए। तो फ्रेंड जी देखा देख रहे मेरा ऐसी नटों की तरह उतरा था, कहीं हमें गले लगा ले, कहीं हमें गले लगा लो, गले न लगो न लगाओ, बोल दो क्या बोल, बाय बाय तुम बस इतना ही बोल दो, ठीक है फ्रेंड बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है।